नमस्कार, वेबवार्ता में आपका स्वागत है। देश में इन दिनों गौरक्षा और दलितों की बातें बहुत हो रही हैं। आज वेबवार्ता में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, गौरक्षा के नाम पर हिंसा कहां तक जायज है? इसको तो कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। देखिए, दिक्कत यह है कि अभी गौरक्षा और दलित अत्याचार के जो मुद्दे हैं वो पिछले 2.5-3 सालों में ज्यादा प्रमुखता से राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ना तो गौरक्षा हिंदुस्तान के लिए, यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विमर्श के लिए नया मुद्दा है, और न दलितों पर होने वाले अत्याचार और दलितों का उत्पीड़न नया मुद्दा है। हमारे यहाँ पर लगातार गाय, उनकी रक्षा और उसके महत्व पर बात होती रही है, और दलितों पर अत्याचार और जो वर्ण व्यवस्था है उसकी गड़बड़ियां, उसकी खामियों को लेकर ये देश आज से नहीं सदियों से उनके खिलाफ लड़ता रहा है। इन दोनों ही मामलों में, चाहे वो दलित पर होने वाले अत्याचार हो, चाहे गायों की रक्षा के नाम पर कुछ लोगों के साथ अत्याचार करना, प्रताड़ना करना हो, इन दोनों को किसी भी सूरत में कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। गौरक्षा के नाम पर सीधे प्रताड़ित करने के बजाय क्यों नहीं किसी कानून के हवाले किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो यही है कि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो सड़क पर घूमे और किसी कानून के नाम पर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की धौंस दे या मारपीट करे। ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात हो गई, और इससे अराजकता फैलेगी समाज में और कुछ नहीं होगा। दिक्कत ये हुई है कि कुछ लोगों ने ये मान लिया है कि चूंकि एक ऐसी सरकार शासन में है जो इन मुद्दों को अपने से जोड़कर रखती रही है, और उसका जो अनुषंगी बड़ा संगठन है, उसका जो सहायक एक बड़ा नेटवर्क है, वो भी इसी तरह के मामलों को, इसी तरह के मुद्दों को उठाता रहा है। दूसरा मामला है संघ का, जो माना जाता है कि शासन से ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकतवर है, उसके भी एजेंडे पर निश्चित तौर पर गौ सेवा और गौरक्षा रही है। गायों की रक्षा की जानी चाहिए, इसमें किसी को कोई इनकार नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर वेदों पुराणों से लेकर लगातार संस्कृति में इस बात पर लंबी बहस चली है, और हमारे जो पूर्वज थे उनको ये समझ में आया कि जब ये देश लगातार सूखे और अकाल से जूझता था, तो उस वक्त जिसके घर में मवेशी हो, गाय हो, उसके घर में कम से कम ये दिक्कत नहीं होती थी, इसलिए गाय का दूध उसके पास उपलब्ध रहता था। और गाय जो है वो हमारे यहाँ पर उनको पुण्य का प्रतीक मानकर इसलिए पूजा गया क्योंकि उसकी एक लंबी परंपरा विरासत है। और जब इस परंपरा को सहेजने की बात आई तब ऐसे नियम बनाए गए कि जिससे गाय की हत्या न की जाए। जो लोग मांसाहार भी करते हैं उनके लिए बहुत सारे दूसरे विकल्प हैं, इसलिए इसके नाम पर गायों का पहले इस देश में ऐसा हुआ भी है कि संहार भी हुआ है, और उससे बचाने के लिए नियम बनाए गए, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में उसको बुना गया, ताना बाना उसका, और उसको हर प्रकार से, इसीलिए हमने देखा कि बचपन में कक्षाओं में गाय पर निबंध लिखवाए जाते थे और गाय हमारी माता है का नारा भी दिया गया। लोगों ने उसको उससे इतर ले जाकर राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बना दिया, और इसीलिए सारी दिक्कतें शुरू हुई हैं। अगर कुछ लोग गाय की हत्या के नाम पर जो कुछ भी किया जाता है उसको लेकर सड़क पर उतर आते हैं और उनको धमकाते हैं, तो ये गलत बात है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि जो गाय हो या कोई अन्य मवेशी हो, जब उनकी उम्र हो जाती है और जब वो मृत्यु को प्राप्त होती है, तो उनका जो अंतिम संस्कार होने की बजाय उनका जो खाल है वो निकाली जाती है और वो विभिन्न उपयोगों में ली जाती है। उस कर्म को करने वाले लोग अधिकतर दलित समाज से आते हैं, बल्कि आचार्य विनोबा भावे ने और गांधी जी ने इस दिशा में कई बार महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सवर्णों को ये काम करना चाहिए, और गुजरात में, राजस्थान में, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस आंदोलन से प्रभावित होकर आज भी इस तरह के कामों को करते हैं। आप देखिए कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनके समाज ने बहिष्कृत भी किया, उसके बावजूद वो इस तरह के कामों को कर रहे हैं। तो पहले तो हमें सोचना चाहिए कि केवल ये काम केवल किसी जाति विशेष के लोगों तक क्यों सीमित किया गया। उसी वजह से हमारे यहाँ पर ये इस तरह की विकृति आई कि हम इस काम को करने वालों को, इस जाति से जुड़े हुए लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो उस काम के लिए उससे जुड़े हुए हैं और उस कर्म को करते वक्त तो क्यों ही उनको गौ हत्या के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर परेशान करता है, तो ये गलत है। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि व्यापार के लिए या गाय के मांस को अवैध रूप से कहीं भेजने के लिए, या जहां पर गौहत्या पर जिस राज्य में पूर्ण प्रतिबंध लगा है वहां पर भी गायों को ट्रकों में ढोया जाता है, और उस पर रोक लगाने का काम प्रशासन का है। प्रशासन अगर उसको नहीं रोक पा रहा है तो कुछ लोग सड़क पर घूमकर गुंडागिर्दी करके इसको रोकने के लिए खुद को गोरक्षक मानकर, महान मानकर इस काम में नहीं लग सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये भी अच्छा है कि बहुत लंबे समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, और उन्होंने कहा है कि आप किसी भी तरह का असामाजिक कार्य खुद करते रहें, दिन रात गलत कामों में संलग्न रहे, और अचानक सुबह उठकर आपका पुण्य जागे और आप गौरक्षा के नाम पर सड़क पर उतर आए, तो ये ठीक नहीं।
यदि कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि गौरक्षा के नाम पर जो हिंसा हो रही है वह भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोशिश है ताकि दलित भाजपा से दूर हो जाए। अब ये तो फिर ठीक ठीक पता लगाया जाना चाहिए कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सचमुच भारतीय जनता पार्टी के उसके किसी सहयोगी संगठन से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, या फिर कोई और दल के लोग हैं जो जानबूझकर ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो। अगर ऐसा मामला है तो ये और भी ज्यादा दुखद है, क्योंकि गाय को मुझे लगता है राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए, जिस तरह दलित को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। आजकल बड़ी दिक्कत ये हो गई कि कोई भी प्रताड़ना का मामला हो हम पीड़ित की जो है जाति देखने लग जाते हैं। जाति देखकर अगर न्याय होने लगेगा तो हम फिर से उस व्यवस्था की ओर चले जाएंगे जिससे छुटकारा पाने के लिए हमको इतने जन्म लग गए। दिक्कत यह है कुछ लोग चाहते हैं कि जो भारत का पूरा विमर्श का फॉर्मेट है, इस खेल की जो पिच है वो नहीं बदले, उनको इसी पिच पर खेलना अच्छा लगता है जहां पर गाय, सुअर, चर्बी, मंदिर, मस्जिद, दलित, ये विमर्श के मुद्दे बने रहे। हमारा समाज का एक बड़ा हिस्सा इन सारे मुद्दों से निकलकर आगे जाना चाहता है, इस जकड़न को तोड़ना चाहता है, लेकिन जब जब समाज वापस इन पिंजरों में जकड़ता हुआ दिखाई देता है तो कुछ लोग जरूर बहुत खुश होते हैं, वो एक तरह से अट्टहास करते हैं, क्योंकि हम भारतीय समाज को जितना आगे ले जाने की कोशिश करते हैं वो उतनी कदम पीछे चला जाता है जिस दिन हम गाय। देखिए, इनमें बहस की बात नहीं होना चाहिए, कुछ समाज के किसी वर्ग के लिए अगर गाय पूजनीय है वो उसका सम्मान करते हैं वो करते रहें। गाय को मारने को लेकर राज्यों के हिसाब से प्रतिबंध लगा हुआ है तो उन राज्यों में ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून अपना काम करे। जैसे कहीं शराब पर प्रतिबंध लगा है उसके बावजूद शराब अवैध रूप से सप्लाई की जाती, बेची जाती है, तो गैर कानूनी है, उसको रोका जाना चाहिए। कौन रोकेगा? पुलिस रोकेगी ना। आप लोग थोड़ी शराब की पेटियां पकड़ते हुए सड़क पर घूम सकते हैं। उसी तरीके से अगर गाय को किसी जगह पर मारना, उसकी हत्या करना प्रतिबंधित है तो शासन प्रशासन के ध्यान में लाइए, वो उसको करेंगे। इसी तरह दलित क्या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह का हिंसा भी गैर कानूनी है ना, अत्याचार है ना। अगर सजा देनी है तो उसके लिए कोर्ट है, जेल है, सजा की एक पूरी प्रक्रिया है। उसके बिना हमने कसाब तक को अगर फांसी पर चढ़ाया तो पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद चढ़ाया ना, जबकि सारे देश ने वो दृश्य देखे जब कसाब रेलवे स्टेशन पर और ताजमहल के इर्द गिर्द और होटल के इर्द गिर्द गोलियां चला रहा था, और इतने जिंदा सबूत होने के बावजूद, उस व्यक्ति के सारे प्रमाण होने के बावजूद, उसके कबूलनामे के बावजूद हमें इतना समय लगा। अफजल गुरु को फांसी चढ़ाने में हमें कितना समय लगा? तो ये देश जब न्याय व्यवस्था, याकूब मेमन की फांसी को एक उदाहरण मानकर देख लीजिए, इतना लंबा लंबा समय न्याय व्यवस्था ने क्यों लिया? ताकि कोई बेगुनाह हो उसको सजा नहीं मिल जाए। तो ऐसे में हम सड़क पर जाकर किसी को सजा कैसे दे सकते हैं? इसमें दलित सवर्ण अवर्ण की बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर तरीके से रुकना चाहिए। तो समाज मिलकर यह विमर्श क्यों नहीं करता कि इस तरह के अत्याचार रुके? हम ये बात करने लगते हैं दलित पे अत्याचार हो गया साहब, मुस्लिम पे अत्याचार हो गया साहब, हिंदू, तो ये इस तरीके के विमर्शों से ये समाज वहीं पर खड़ा रह जाता है जहां से आगे बढ़ने के लिए वो आज से नहीं हजारों साल से कोशिश कर रहा है। गौरक्षा की बातें बहुत होती हैं, गोपालक खुद गायों को सड़क पर छोड़ देते हैं, वे प्लास्टिक खाती हैं, ऐसे में उनका धर्म कहां चला जाता है? यही सबसे बड़ा ढकोसला है, यही सबसे बड़ा पाखंड है भारतीय समाज का, जिसकी वजह से हम नदियों की पूजा करते हैं, उसी नदी में हम कपड़े धोते हैं, उसी नदी में हम साबुन लगाते हैं, उसी नदी में हम मैला फेंकते हैं, उसी नदी में हमारे ड्रेनेज के पाइप चले जाते हैं। नदी भी तो हमारे लिए देवी, नदियों की तो जो महिमा हमारे यहाँ पर वर्णित की गई वो किसी और शास्त्र में, किसी और धर्म में, किसी और रीति में, किसी और देश में है ही नहीं। क्या हम नदियों को उस तरह से सहज रहे हैं? वृक्षों की पूजा का हमारे देश में बहुत महत्व है, हमारा वन क्षेत्र कितना घटा है पिछले सालों में वो देख लीजिए। जिस बरगद, नीम, आम, बबूल की हम पूजा करते हैं उसी को काट काट कर हमने अपने घरों के दरवाजे में लकड़ी बनाकर लगा रखा है, उसी की लकड़ी से हमने अपने ईंधन जलाए हैं बरसों तक। उसी तरह गाय की हम पूजा की बात करते हैं, गाय को माता कहते हैं, कल कामधेनु की बात करते हैं, गाय सड़क पर कहीं बिक जाए और पॉलीथिन खा रही हो और उसको हम हटाते तक नहीं वहां से, गायों के दूध चारे का भरपूर प्रबंध रहे वो नहीं देखते हैं। गोपालक सुबह गाय का दूध धोकर उसको आवारा दिन भर छोड़ देते हैं, वो इधर उधर कहीं भी जो भी खाती फिरती है, शाम को आती है उसी का दूध धोकर फिर हमें बेचते हैं। यहाँ तो उसकी पवित्रता की बात तक की गई है। जो दूध हमारे शरीर में जा रहा है वो जिस तरह के खाने के जरिए बन रहा है गाय के, वो अगर दूषित है तो निश्चित तौर पर दूध में वो गुणवत्ता नहीं मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए, इसका बड़ा महत्व है। लेकिन वो दिन भर सड़क पर कचरा खाकर जो दूध देती है वो दूध बांटा जाता है लोगों को। तो इस तरह के ढकोसले से, इस तरह के प्रपंच से इस समाज को उभरने की, आगे आने की बहुत जरूरत है। शास्त्रों, वेदों, पुराणों को छोड़ दीजिए, गाय का दूध अगर आपके लिए पवित्र है, वो जो गोबर देती है वो भी आपके कंडे बनाने के और लीपने के काम आता है, आप उससे अपने घर आंगन सजाते आए हैं बरसों से, आप ये मानते हैं कि गाय बहुत पवित्र है, तो आप उसकी रक्षा बेहतर तरीके से कीजिए। सड़क पर वो पॉलीथिन खाकर मर न जाए इसका भी पूरा इंतजाम कीजिए, उसको अच्छे से
चारा पानी उसका मिले, खली मिले और उससे वो स्वस्थ रहे और बेहतर तरीके से दूध देकर हम सबका पोषण करें, उसकी व्यवस्था करें। ये ढकोसला क्या है कि जब वो पॉलीथिन खा के मर रही है तब तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अगर उसकी पूंछ मरोड़ दी तो आपको बहुत बड़ा धर्म पर आंच आ गई, किसी ने उसको किसी भी तरीके से दूसरी तरीके से परेशान करने की कोशिश की तो आप गाय को बचाने की बजाय जो उस गाय को ले जा रहा था उसको मारने पर उतर हो जाते हैं। अगर वो गाय उस वक्त छोड़ भी दी गई तो वो कहां जा रही है और क्या खा रही है, इसका आगे तक का ध्यान किसी ने रखा है? इसीलिए जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि गो रक्षा और गो सेवा एक अलग अलग बात है, गो सेवा पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, गो रक्षा कानून की जिम्मेदारी है और कानून को यह बताना भर जरूरी है कि यहां पर गो रक्षा नहीं हो पा रही है, यहां पर गायों को वध के लिए ले जाया जा रहा है, उसके बाद कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून काम न करे तो अगर प्रधानमंत्री इस देश का कह रहा है कि गो रक्षा जरूरी है तो फिर हम देखेंगे प्रधानमंत्री की बात कैसे नहीं मानी जा रही। आखिर गायों का संरक्षण और संवर्धन कैसे किया जाए? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक मन की पीड़ा ये होती है कि जब विदेश से कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर तो वो सबसे ज्यादा फोटो इसी बात के खींचता है कि गाय सड़कों पर आवारा घूम रही है, कचरा खा रही है, पॉलीथिन खा रही है, गायों को व्यवस्थित रखने के लिए अच्छी गौशालाएं नहीं है। आप बाहर जाकर देखिए कभी भी, वहां पर उन्होंने इसमें फार्मिंग में सबसे ज्यादा क्रांति की है, उन्होंने जो भी मवेशी हैं दूध देने वाले उन सबको बहुत अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से पाला है। जिस तरह के वहाँ के फार्म हाउस होते हैं उनका एक निर्धारित क्षेत्र होता है जहाँ पर उनके चारे पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध होते हैं पशुओं के जो उनका ध्यान रखते हैं, तो इस तरह के संरक्षित क्षेत्र बनाने पड़ेंगे जहाँ पर गायों को भैंसों को बेहतर तरीके से पाला जाए और जिसकी वजह से आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनके स्वास्थ्य का सवाल है, उनको अच्छा दूध मिले और उनका पोषण बेहतर हो जिससे वो बीमारियों से प्रतिकार करने की क्षमता भी उनकी बेहतर हो। ये केवल नारे से या इसको धर्म को जोड़ देने से नहीं होगा, ये हमारी एक बहुत बड़ी सामाजिक और स्वास्थ्य की जरूरत है और जहां पर हमारे समाज के और स्वास्थ्य का और आने वाली नस्लों के स्वास्थ्य का सवाल खड़ा हो उसको हम धर्म से नत्थी कर दें इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। इसमें धर्म का मसला है कहां? आपको जो भोजन मिल रहा है, जो अन्न मिल रहा है वो अच्छा मिले। अब आप देखिए कि इस देश में हरित क्रांति आई लेकिन फर्टिलाइजरों ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई, अब ऑर्गेनिक का चलन चल पड़ा है, जैविक खेती के नाम पर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं रसायनों से जो नुकसान होता है फसलों को वो नहीं हो, आप चाहते हैं कि जो अन्न आपके पेट में जा रहा है वो रसायनों के साथ न जाए बल्कि शुद्ध अन्न जाए और इसलिए जैविक खेती का चलन बढ़ रहा है। इसी तरह जिस गाय का दूध आप ले रहे हैं, जिस भैंस का दूध आप ले रहे हैं, वो अगर कचरा खा रही है, पॉलीथिन खा रही है, तो उसका दूध शुद्ध और अच्छा कैसे हो सकता है? तो उसके संरक्षण पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हम लोग? धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे गौरक्षा एवं दलितों पर अत्याचार। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।